नमस्कार दोस्तों दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं यहाँ सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और दोस्तों आज हम लोग डिफेंस पेपर का, ठीक है, डिफेंस पेपर फर्स्ट का एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से लिखेंगे और इसको 250 शब्दों में इसको इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। और दोस्तों जिन लोगों का डिफेंस ऑप्शनल है तो डिफेंस ऑप्शनल का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है जिसमें आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट भी हो रहा है तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 15 तारीख से यह स्टार्ट हो चुका है तो इसको आप लोग अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग भी जिनको लोगों को लगता है कि हाँ ज्वाइन करना चाहिए वही लोग ज्वाइन करें, और जो लोग ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करना चाहते हैं वही लोग इसको ज्वाइन करें। ठीक है, और दोस्तों जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, बगल में एक घंटी होगी तो उसको ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों आप लोगों को मेरा कार्य अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। शेयर आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आपके फ़ोन में है उसके माध्यम से कर सकते हैं जिससे दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर फर्स्ट का यह क्वेश्चन है। ठीक है, डिफेंस ऑप्शनल सब्जेक्ट का, रक्षा अध्ययन वैकल्पिक सब्जेक्ट का प्रश्न संख्या 3 है, तीसरा क्वेश्चन है आज, और 250 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है क्या, राष्ट्र राज्य की युद्ध की आर्थिक क्षमता के विभिन्न तत्व कौन कौन से होते हैं, नामांकित कीजिए। तो जैसे कोई भी राष्ट्र है तो उसकी आर्थिक क्षमता के कौन कौन से, सॉरी, जो युद्ध की क्षमता होती है, ठीक है, युद्ध की आर्थिक क्षमता के विभिन्न तत्व कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी राष्ट्र होता है दोस्तों, तो कोई भी राष्ट्र होगा तो वो अपनी एक सुरक्षात्मक तैयारी करता है, अपने देश की रक्षा करने के लिए एक तैयारी करता है कि अगर पाकिस्तान अटैक करता है या चाइना अटैक करता है तो हम किस तरीके से रक्षा करेंगे। ठीक है, किस तरीके से हम ड्रोन से अपना बचाव करेंगे, किस तरीके से हम अपने जो हथियार हैं नाभिकीय हथियार हैं उनका हम प्रयोग करेंगे, हर तरीके से बिल्कुल सतर्क रहता है देश। तो इस जो भी तैयारी की जाती है तो इसकी तैयारी के लिए एक आर्थिक क्षमता बहुत ही ज़रूरी है। अब सोच के देखें कि पाकिस्तान के पास में अगर पैसा ना हो तो हथियार कहाँ से खरीदेगा, इंडिया के पास अगर आर्थिक रूप से मजबूत ना हो तो किस तरीके से पैसा खरीदेगा, खरीद ही नहीं पाएगा। ठीक है, और क्या करता है कि जैसे पाकिस्तान में बहुत सारी फसलों का उत्पादन होता है या इंडिया में बहुत सारी फसलों का उत्पादन होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का निर्माण किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, और बहुत सी जो इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, उद्योग लगे हैं, उनसे भी एक आय होती है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि देश की कुल आय का कुछ अंश युद्ध की तैयारी के लिए भी रखा जाता है। ठीक है, तो यह युद्ध की आर्थिक क्षमता को दर्शाता है। अब आपको मेन पॉइंट जो बताना था, आर्थिक क्षमता के विभिन्न विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं, तो पहला तत्व कौन सा है, देखिए युद्ध की आर्थिक क्षमता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। तो पहला कारक कौन सा है, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में कौन कौन सी चीज़ आती है, जैसे प्रकृति से जो चीज़ें हमें फ्री में मिली हुई हैं, जैसे हमें जल मिला है, जंगल मिला है, ज़मीन मिली हुई है, खनिज मिले हैं, खाद्य पदार्थ मिले हुए हैं, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, ठीक है, खनिज, अनेकों प्रकार के खनिज जो प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ऊर्जा, ये सारी चीज़ें, सौर ऊर्जा हमें मिलती है, पवन ऊर्जा मिलती है, तो ये क्या है, ये प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, जिस देश में भी प्राकृतिक संसाधन जितने अधिक होंगे वह उतना ही युद्ध की तैयारी करने में आर्थिक रूप से सशक्त होगा। ठीक है, अब सोच के देखिए कि अगर यहाँ तेल के बड़े बड़े कुएं अगर होते और भी सारी चीज़ें होती और तेल के कुएं भी होते तो आर्थिक रूप से सशक्त होता ना भारत, तो कहीं ना कहीं आपको हर ज़रूरत को पूरा करना पड़ेगा। और जो जिस देश में भी प्राकृतिक संसाधनों की कमी है वो कभी भी उतना डेवलप नहीं कर पाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ प्राकृतिक संसाधन उसके देश में होना चाहिए। तो हमारे देश में भी बहुत सारी संसाधन हैं तो जिनका उपयोग करके देश अपनी प्रगति कर रहा है। अगला क्या है कि दूसरा है ऊर्जा संसाधन। एक विचारक थे क्लेमेंशियो, तो क्लेमेंशियो ने कहा था कि उनका एक कथन था कि तेल की एक बूंद सिपाहियों के एक बूंद रक्त के बराबर होती है।
तो कहने का अर्थ तो इनका यही था कि जो ऊर्जा संसाधन है, ऊर्जा के बिना कोई भी चीज़ नहीं होने वाली। ऊर्जा के लिए, ऊर्जा जो होती है, चाहे दैनिक यूज़ में हो, चाहे इंडस्ट्री के लिए हो, या कोई भी उद्योग लगाने जाते हैं, कोई सर्विसेज लेने जाते हैं, या किसी भी प्रकार की सेवा लेने जाते हैं, तो हर तरीके से आपको उसमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। आप अगर एक कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल फ़ोन्स चलाते हैं, आप सोच के देखिए ना, अगर एनर्जी नहीं हुई तो सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही मनुष्य के साथ में है, अगर ऊर्जा नहीं है आज की डेट में तो आप क्या है, मरे के समान है, चल भी नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब है, किसी भी देश की जो ऊर्जा संसाधन है वो उसके औद्योगिकरण पर भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और बहुत से लोग जो हैं, तेल की राजनीति भी, समय यूएसए भी तेल बेचना स्टार्ट कर दिया, सऊदी अरबिया बेचता है, इराक बेचता है, ईरान बेचता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तेल की राजनीति भी करते हैं। जिस टाइप से अमेरिका ने इराक पर हमला किया, तो वो क्या था, एक तेल की राजनीति थी। ठीक है, कि राजनीतिक रूप से लाभ लेने के लिए उस पर अटैक किया गया था। ठीक है, अफगानिस्तान के जो अटैक हुआ था, जो सेना रखी गई थी अफगानिस्तान में, तो वो भी कहीं ना कहीं एक राजनीतिक कारण था, और मंशा कुछ और थी, दिखाते लोग कुछ और हैं। ठीक है, तो ये क्या कहने का अर्थ यही है कि जो ऊर्जा संसाधन है, अगर ऊर्जा संसाधन होंगे तो आप आर्थिक रूप से सशक्त होंगे। अगर आर्थिक रूप से सशक्त होंगे तभी आप कोई भी देश, कोई भी राज्य एक युद्ध के लिए अच्छे से तैयारी कर सकता है। ठीक है, और क्या है, किसी देश के लिए औद्योगिकरण क्यों ज़रूरी है? औद्योगिकरण इसलिए भी ज़रूरी है कि जैसे युद्ध में जो भी यंत्रीकृत या जो भी हथियार लगते हैं, या इससे कोई रक्षा निर्भरता या सैन्य नागरिक दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी औद्योगिकरण से होती है। अगर कोई सैनिक है उसको भी औद्योगिकरण से लाभ होगा, कोई उद्योगपति है, कोई दुकानदार है, या लोग हैं, इन सबको उससे लाभ होता है। ठीक है, और जब लोगों को लाभ होगा तो ओवरऑल रूप में देखेंगे तो आर्थिक जीडीपी जो होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। जब आर्थिक रूप से सशक्त होगा तो सीधी सी बात है, कुछ पैसे बचाकर वो अपने युद्ध की तैयारी और अपने देश की रक्षा में भी लगाएगा। ठीक है, तो अगला क्या है, परिवहन एवं संचार। तो आर्थिक क्षमता, युद्ध की आर्थिक क्षमता के और कौन सी चीज़ें होती हैं कि परिवहन एवं संचार। अब परिवहन बहुत ही ज़रूरी है। अब आप सोच के देखिए कि अगर आपके पास अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है तो क्या करना होगा। अगर आपको चेन्नई से कोई सेना भेजनी है नई दिल्ली, तो आपको महीनों लग जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, परिवहन संचार, अगर आपको एक हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन से भेजते हैं तो आप 2 ही 3 घंटे में पहुंच जाएंगे, 4 घंटे में। तो ये क्या है, परिवहन संचार व्यवस्था बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और अगर अभाव हुआ तो सेना या कहीं भी युद्ध लड़ने जा रहे व्यक्ति समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। और संचार, संचार का मतलब ये हो गया कि जितनी भी प्रौद्योगिकी है, ठीक है, वो संचार प्रौद्योगिकी में आप जानकारी मिलती है सेना को कि कौन सी सेना हमारे अगेंस्ट में, जो हमारी विरोधी सेना है, तो उसमें कौन कौन से व्यक्ति हैं, कौन कौन से हथियारों का यूज़ कर रहे हैं, तो हम सैटेलाइट के माध्यम से, संचार सेवाओं के माध्यम से इन चीज़ों का पता लगाते हैं। जैसे राडार के माध्यम से, अवाक्स प्रणाली हो गई, रेल हो गई, वायु हो गया, सड़क हो गया, नौवहन हो गया। ठीक है, तो इन सब में जो संचार प्रणाली है यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, और क्या होना चाहिए कि एक देश युद्ध की क्षमता से कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, प्रौद्योगिकी का ढांचा। प्रौद्योगिकी का ढांचा का मतलब ये है कि जो आपकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कितनी हुई है। ठीक है, जैसे इसरो है, डीआरडीओ है, ठीक है, तो ये क्या है, देश की अंतरिक्ष के क्षेत्र में, नाभिकीय क्षेत्र में, ये सारी चीज़ें प्रगति को देखते हैं, प्रगति को सुनिश्चित करते हैं कि किस तरीके से अपने देश की प्रगति की जाए। जो रक्षा है, आत्मरक्षा है, या दूसरे के ऊपर हमें युद्ध की तैयारी करनी है, तो कौन कौन से हथियार हमें बनाने चाहिए। ठीक है, तो इन्हीं का प्रोडक्शन जो किया जाता है डीआरडीओ के द्वारा किया जाता है। बहुत सारी जो मिसाइलें हैं, मिसाइलों का जो बनाया जा रहा है डीआरडीओ के द्वारा और इसरो के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है,
नाभिकीय और सैन्य शक्ति को और भी ज़्यादा बेहतर करता है। अगर कोई नाभिकीय शक्ति है या सैन्य शक्ति है तो उसको भी यह बेहतर बनाता है। युद्धक हथियारों का भी यह विकास करता है। अगर प्रौद्योगिकी ढांचा किसी भी देश का नहीं हुआ, प्रौद्योगिकी ढांचा कब होगा? जब कोई भी देश आर्थिक रूप से सशक्त होगा तब वो प्रौद्योगिकी में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर उसके पास पैसा ही नहीं है, केवल खाता है कमाता है, खाता है कमाता है, तो अगर ये जीवन यापन वाला टाइप अगर होगा तो वो आगे जा ही नहीं पाएगा। प्रौद्योगिकी का ढांचा उस देश में विकसित ही नहीं हो पाएगा और देश भी आगे नहीं जा पाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो अगर किसी दिन कोई कंट्री, पड़ोसी देश या कोई अन्य देश उसी देश पर आक्रमण कर देता है तो वो अपनी रक्षा किस प्रकार करेगा? तो प्रौद्योगिकी ढांचा युद्ध के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगला क्या पॉइंट है? राजनीतिक तत्व। राजनीतिक तत्व का अर्थ क्या है? कि राजनीतिक तत्व का ये मतलब है कि अब देखिए, युद्ध की तैयारियां सारी चीज़ें हमने कर ली, लेकिन एक निर्णय कि युद्ध करना है कि नहीं करना सरकार की कार्यकुशलता पर भी निर्भर करता है। सरकार की कार्यकुशल कितनी है? अब सरकारें निठल्ली है, हम देख ही नहीं रहे हैं कि आप जो जो करना है करिए जाके, ठीक है। तो ये क्या है? ये बहुत ही बेकार टाइप की सरकार होती है कि जिसकी कार्यकुशलता बहुत ही कम होती है, ठीक है। और राजनीतिक तत्व में जो राजनीतिक पार्टी आर्थिक रूप से सशक्तिकरण के काम सबसे सर्वाधिक करेगी तो वो हर तरीके से निर्णय अच्छे ही लेगी, ठीक है। और क्या है कि जैसे जो नीति निर्माण होता है, नीति निर्माणों में भी राजनीतिक तत्व तो बहुत ही ज़्यादा आपका निर्णायक भूमिका निभाता है। कि जैसे अब नीति निर्माण हो रहा है कि हम अपने देश की यह संरचना है और इसी पे हमें अपना एक एक बंकर और सारी चीज़ें जो बॉर्डर हैं, बॉर्डर को सील करना है, बॉर्डर पे बाड़ लगाने हैं, क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें राजनीतिक तत्व के अंतर्गत आते हैं। युद्ध के लिए कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से हथियार, कौन कौन से किस तरीके से हम हथियार की प्रणाली को अपनाएंगे, किस तरीके से कौन सी व्यूह रचना को अपनाएंगे, तो यह युद्ध की राजनीतिक तत्व के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें आती हैं। युद्ध का कोई निर्णय होना है, जो आपका निर्णय लेने की क्षमता होती है वो सरकार के ही अंदर होती है, ठीक है। सरकार ही इन चीज़ों का निर्धारित करती है, ठीक है। तो इतने पॉइंट्स मैंने बताए हैं दोस्तों, और निष्कर्ष के रूप में आप लोगों को बताना है कि सैन्य शक्ति जो होती है, सैन्य शक्ति हमेशा आर्थिक शक्ति पर निर्भर करती है। और युद्ध की तैयारी हो या पुनर्वास का मामला हो या किसी भी प्रकार की चीज़ें हों, इन सब में आपकी सरकार की भूमिका, राष्ट्र की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और इतने पॉइंट्स मैंने बताए हैं, कुछ पॉइंट्स आपके भी दिमाग में हो तो आप लोग इनको प्रश्न के अकॉर्डिंग जो भी रेलेवेंट हो तो आप लोग डाल सकते हैं। डालने के बाद अपने उत्तर को बेहतरीन बना सकते हैं। लिखने के बाद आप लोग, मेरे ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर आप लोग लिखकर मेरे पास भेजिए, जिसको मैं टेलीग्राम चैनल पर, आपका पीसीएस एकेडमी का चैनल है तो उस पर मैं आप लोगों को दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, जीएस का भी चल रहा है और ऑप्शनल डिफेंस का चल रहा है, ठीक है। तो जो लोग भी इच्छुक हो अपना ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, लेकिन ज्वाइन वही लोग करें जो मेहनत करने के लिए तैयार हो। अगर नहीं मेहनत करनी हो तो प्लीज़ मत ज्वाइन करिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सुनने के लिए।